दादा से पूछते हैं। दादा ये फिश पॉइंट इधर ही है ना, फिश पॉइंट मछली पॉइंट। आज मार्केट लगा हुआ है। क्या खूबसूरत सा वाटर गिर रहा है। तो गाइस उल्टा पानी से हम लोग अभी निकल रहे हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क बता नहीं रहा है, तो प्लानिंग यही था कि अपन मछली पॉइंट देखने जाएंगे, जिसे बोलते हैं फिश पॉइंट। मैप के थ्रू ही जाना होगा क्योंकि रोड तो हमें भी पता नहीं है। भाई साहब चलो अब अच्छी रोड आई है, अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं मैप में। यहीं से हम लोग गए थे उल्टा पानी के लिए। अब यहाँ से देखना ये है आगे साइड चलते हैं या पीछे जाना होगा। तो अभी हम लोग राइट ले लिए हैं उल्टा पानी से। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो है ना काम नहीं कर रहा है। पिछले दफ़ा जब आया था गूगल मैप के थ्रू ही घुमा हुआ था, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बट इस बार तो नेट काम नहीं कर रहा है। टावर है लेकिन नेट काम नहीं कर रहा है। तो अब बोट के थ्रू ही हम लोगों को जाना होगा। अब उससे पहले क्या देखने को मिलता है वो हमें भी नहीं पता है। पिछले दफ़ा जब आया था तो उतना ध्यान नहीं है मुझे, एक दो बार घूम लूँगा ना तो अच्छे से याद हो जाएगा मुझे भी। ठंड के दिनों में दिसंबर और जनवरी ये दो महीने यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं कुदरत का करिश्मा देखने के लिए। इस जगह का नाम है सब नादर, ऐसा करके लिखा हुआ भाई। अभी देखा जाए तो मेन पॉइंट हम लोग पहुँचे ही नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है, फिर वहाँ से बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमें देखने हैं आज। यहाँ पे बोर्ड पे पूरा मेंशन किया गया है क्या क्या है यहाँ पे, तालाब जिला सर्वेज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहाँ पे। हाँ तो भाई साहब यहाँ पे एक ही पेट्रोल पम्प देखने को मिला है मुझे, जो मेन पार्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मेन पार्ट है 1 किलोमीटर और यहाँ पे पूरा पॉइंट लिखा हुआ है। फिश पॉइंट है 16 किलोमीटर, बाकी आप देख लीजिए टाइगर पॉइंट है 12 किलोमीटर, जलजली है 7 किलोमीटर जो सीधा ही गई हुई रोड। कमलेश्वरपुर इसे बोलते हैं, कमलेश्वरपुर ऐसी बोर्ड पे लिखा हुआ था। अरे मुर्गी, मेन पार्ट में गाइस तिब्बती लोग भी रहते हैं, अगर देखने को मौका मिलता है तो मैं आपको तिब्बती लोग दिखाऊंगा कि तिब्बती लोगों का घर कैसा है, कैसे रहते हैं उन लोग। अब यहाँ पे क्या है, टाइगर पॉइंट 12 किलोमीटर तिब्बती कॉम्प्लेक्स अंदर। ये दो रोड गई हुई है, एक जाती है फिश पॉइंट के लिए जाती है, यही वाली जाती है फिश पॉइंट। कहीं लिखा तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मुझे। चलिए गाइस चलते हैं इधर ही। दादा से पूछते हैं, दादा ये फिश पॉइंट इधर ही है ना, फिश पॉइंट मछली पॉइंट। चलो ठीक है, दादा को भी नहीं पता है। दादा ही कोई नहीं पता है,
लेकिन जब मैं आया था ना यही वाली रोड पे आया था, दो रोड कटे हुए थे, देख लेते हैं ना, नाम कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ये बोर्ड पे देखते हैं। सीमा बाग कहीं लिखा दिखाई दे रहा है क्या? यही है, यही है। कार वार तो आ रहा है इस साइड से, मैप काम नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। इन दादा लोग पूछते हैं भैया ये फेस पॉइंट है ये क्या? सीधा है ना? तो भाई ने बतलाया यही है। पिछले दफ़ा जब आया था ना तो गूगल मैप के थ्रू आया था, थोड़ी याद है मुझे। तो यही वाली रोड जाएगी सीधा सीधा फेस पॉइंट के लिए। अरे तेरी, ये क्या है? कितने अंदर जाना होता है हर पॉइंट पे, इसलिए आप अपने खुद की गाड़ी हो या फिर वो गाड़ी बुक करना पड़ेगा। अब ये मान के चलो 11 से 12 किलोमीटर अंदर है फेस पॉइंट, जलजली इस साइड में है, जलजली करके लिखा हुआ है। अब ये आप बोर्ड पे क्या लिखा हुआ भाई साहब, यहाँ से जलजली है 2 किलोमीटर, अपना जो पॉइंट है मछली पॉइंट ये इस साइड में है। तो ये जो रेड को दिख रहे हैं इसको टाव बोलते हैं, इससे बनता है मैदा। ये देखिए इस साइड भी पूरे लगे हुए हैं और यही मेन पार्ट की खासियत है, चारों तरफ आपको खेत खलियान ही देखने को मिलेंगे। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा पूरा मैदान है, लेकिन नहीं भाई साहब, आपको बताया ना जिससे मैदा बनता है, इस साइड का पूरा निकाल दिए गए हैं, कुछ कुछ बचा हुआ है। यहाँ पे दो रोड गई हुई है भाई साहब, अब हमें कौन से रोड में जाना है कोई आइडिया नहीं है। इस यहाँ पे तिब्बती लोगों का घर है, लेकिन अभी हमें फिश पॉइंट जाना है, तो ये वाली रोड लिए हुए हैं। अब आगे कोई भी मिल जाए उनसे पूछ के मैं कंफर्म कर लूँगा। क्या शानदार सा दिख रहा है, रेड रेड। इन लोग से पूछता हूँ भाई, फिश पॉइंट मछली पॉइंट सीधा? चलो सीधा ही चलते हैं। तो ये वाली रोड पे नहीं जानी है, ये वाली रोड पे जानी है। तो ये देख रहे हैं तिब्बत लोगों का घर है ये। ये तो खैर बिल्डिंग वाला है, झोपड़पट्टी वाला भी रहता है। आगे साइड में बस्ती है, आज मार्केट लगा हुआ है। तो ये बस्ती है गाइस, काशदीप। एक बात भाई से और पूछता हूँ, अंकल किधर देख रहे हो? ये फिश पॉइंट आगे ना, चलिए आगे ही चलते हैं, पूछ पूछ के जा रहा हूँ भाई। आप लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक पहुँच पाए। अभी यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है। अच्छा तालाब है लेकिन पानी उतना ज़्यादा नहीं है। अरे वाह क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई, चारों तरफ पहाड़, बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है।
लेकिन जो नज़ारे हैं भाई, पूरे पैसे वसूल नज़ारे हैं, ये देखिए। तिब्बत लोगों का घर यही है, पूरा तिब्बती लोग रहते हैं यहीं पे। यहीं से हमें मुड़ जाना है मछली नदी, ये वाली रोड पे नहीं जाना है, ये वाली रोड पे जाना है। यहाँ से हमें फिर से मुड़ जाना है अंदर के लिए, तो ये जाती है सीधा मछली पॉइंट। इतने सारे लोग घूम के जा रहे हैं वापस। देख रहे हो, बस दोनों कार और बस यही नज़र आ रहे हैं, बाइक तो बहुत कम नज़र आ रही है। साइड बहुत दूर पड़ जाता लगता है ये। अंदर जाना होगा हमें मछली पॉइंट के लिए। अरे वाह, क्या शानदार सा रोड बना दिया भाई। ये बाप रे, क्या चढ़ाई है। ये देखो चढ़ान, चढ़ाना होगा बाइक को हमें। जंगल झाड़ी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएंगे यहाँ पे, जो भी नज़र आएंगे सब कार सोमो। अरे वाह, ये कुछ बन रहा है लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं अधिकतर फिश पॉइंट पे। आखिरकार हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये भाई, अब यहाँ से जो व्यू दिखता है, और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो आपको मैं ऊपर से ही दिखला पाऊँगा, नीचे जाने का कोई साधन नहीं है। अगर बन गया होगा तो वो भी दिखला दूँगा। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। तो इस पॉइंट में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ की खूबसूरती तो लाजवाब है। सबसे बेस्ट मुझे यहीं का लगा है। हालांकि मैं थोड़ा सा आगे आके बाइक को खड़ा किया हुआ हूँ यहाँ पे। ये देखिए मेरी बाइक खड़ी हुई है। आप चाहे तो कार वगैरह यहाँ पे आगे में पार्क कर सकते हो, यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, आप लोगों को दिखलाता हूँ फिश पॉइंट कैसा दिखता है। देख लीजिए मनमोहक दृश्य, इस तरह से रोड बनी हुई है जाने के लिए। पानी की आवाज़ आ रही है, कुछ कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ हरियाली है, यहाँ पे सीढ़ी दी गई है, तो आप सीढ़ी के थ्रू आप उतर सकते हो। मैं थोड़ा बाइक आगे इसीलिए खड़ा किया हूँ ताकि आप वहाँ से भी ना जाना कर सकते हो वहाँ से, बट मैं शॉर्टकट आजमाना चाह रहा था। ये सीढ़ी है, वहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। चलिए पास से आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। बहुत दूर हो जाने की वजह से ना पर्यटन यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट है बहुत दूर दूर में बना हुआ पॉइंट, क्योंकि पहाड़ों से पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे रोड की सुविधा बहुत अच्छी है, तो आप इजीली एक दिन में घूम सकते हो। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। पहले यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ से कैसा दिखता है। तो सामने तो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं। बाप रे, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पे सब मस्ती कर रही है। ये फिश पॉइंट है, वाटरफॉल भी है सामने में आपको नज़र आ रहा होगा, तो पास चल के आपको दिखलाऊंगा। पहले यहाँ का दृश्य आप देख लीजिए, लफ्ज नहीं है, सबसे बेहतरीन मुझे यही लगा है। इस तरह का वादिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो। अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए। बहुत दूर से आया हूँ फिश पॉइंट देखने के लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। दिखलाता हूँ, क्या खूबसूरत सा वाटर गिर रहा है, नजारा ही नजारे हैं भाई। लफ्ज नहीं है बोलने के लिए।
इतने सारे लोग आए हैं अभी फ़िलहाल, और भी पर्यटन आते होंगे लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतने ही हैं। चलो पास चल के देखते हैं, इस तरफ से देखता हूँ पानी कितना साफ है। तो पानी तो कुछ ज़्यादा ही साफ है। फिश पॉइंट देखिए, पानी देखिए, क्या नज़ारे हैं। इस तरह से पत्थरे हैं जहाँ पे आप बैठ के इस पानी का आनंद ले सकते हैं। बच्चे लोग ले रहे हैं पानी का आनंद। वाओ क्या नज़ारे हैं, बेहतरीन नज़ारे। पहाड़ है इस साइड और ये पानी देख कितना ज़्यादा साफ पानी है। यहाँ भी पानी गिर रहा है, आना तो बनता। नज़ारे देखिए नज़ारे, आपको भी शायद ये वाला अच्छा लगा होगा। मछली पॉइंट जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी ज़्यादा कम है। एक बार फिर से देख लीजिए नज़ारे, देखिए यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, लबालब है पानी, और इस तरह से पूरा नज़ारे हैं जो मैं आपको पूरा घूम के दिखला रहा हूँ। इतने सारे लोग आए हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं सब। चलिए आगे और देखते हैं, वाटरफॉल है यहाँ पे, उसको देखते हैं। ओहो क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। वाह यार पूरा खाई है नीचे में, और वो जो पानी है इस साइड पूरा बहते हुए आ रहे हैं। नज़ारे देखिए आप, थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ। आप लोग आओगे तो थोड़ा संभल के आना, फिसलन तो नहीं है लेकिन फिर भी संभलते हुए आना भाई। सीढ़ी होता तो मज़ा आता यहाँ पे जाने पे। और ये वाटरफॉल देख क्या नज़ारे हैं भाई, यहाँ पे भी पानी बह रहा है। आप खुद बताइए कैसा लगा ये दृश्य, आई होप कि ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हमेशा ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि जब भी आप लोगों के लिए इस तरह का व्लॉग बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी मिल जाए।